देव एक ऐसा शो है जिसमें प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि शोज़ जो इंडियन टेलीविजन में बनाए जाते हैं उनका एक फॉर्मेट सा है, और टीआरपी जैसे शोज़ को आती है वो मोस्टली फैमिली ड्रामाज होती हैं, या ट्रायंगल्स, या एक मतलब एक तीसरा या चौथा बंदा रिलेशनशिप में आ जाता है तो वैसे कहानियाँ बनती है। लेकिन ये एक क्राइम शो, ऑफकोर्स हमारे बहुत सक्सेसफुल क्राइम शो रहे हैं, CID, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, ये सब वगैरह, लेकिन किसी में लीनियर स्टोरी नहीं थी। और इंटरनेशनली अगर आप शोज़ देखें, द ब्लैकलिस्ट, लूथर, एलिमेंट्री, शर्लॉक तक, उनमें एक लीनियर ट्रैक होता है जो कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ स्टोरी होती है, जो लिखने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब्रॉड ऐसा किया जाता है कि पूरी बाकायदा सीरियल शूट की जाती है और फिर ऑन एयर जाता है। बट हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग कट टू कट करते हैं कि आज शूट कर रहे हैं और कल रिलीज़ हो रहा है। तो बाई वीकली में इट्सेल्फ बहुत डिफिकल्ट था। सीज़न वन में कहा गया था चैनल से कि ये एक ट्रायल करो, उन्होंने मुझसे कहा ये एक एक्सपेरिमेंट है। आई वॉज़ रेडी टू टेक इट अप, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूँ, इसलिए मैंने फिल्मों में कॉमेडी छोड़कर टीवी में ये सब किया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चीज़ करना था जिससे मैं कहीं ना कहीं अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ इंडियन टेलीविजन के कंटेंट को चेंज करने में, तो क्यों नहीं। और देखते देखते ये बाई वीकली एक डेली बन गया। तो अभी सेकंड सीज़न भी एक चैलेंज है, ऐसा चैनल कहता है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन आई रिस्पेक्ट दिस चैनल जो ये शो को होस्ट कर रहा है, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि कंटेंट चेंज हो इंडियन टेलीविजन पर। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि नॉट टू वरी अबाउट TRPs, जो बहुत कम लोगों को कहा जाता है कि TRP डज नॉट प्ले द मतलब वो मायने नहीं रखता। वी हैव टू मेक अ शो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल इंडियन टेलीविजन, और वही हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके किरदार को शर्लॉक से भी कंपेयर किया जा रहा है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेते हैं? इंसिडेंटली मैं सारे डिटेक्टिव शोज देखा करता हूँ वर्ल्ड वाइड, रीजनल में भी, जो लैंग्वेज में होते हैं, स्पेनिश एंड मैक्सिकन एंड एवरीथिंग। तो मुझे हमेशा ऐसे ये जॉनर पसंद आया है, एंड आज गॉड्स ग्रेस और थैंक्स टू द चैनल कलर्स TV और जिन्होंने भी मुझे BR शरण साहब इस कंसीव किया, उन्होंने ये शो को, दे थॉट आई कुड प्ले इट। आज वो मुझ पर काफ़ी इन्वेस्ट करके इसको एक ब्रांड बना रहे हैं देव को। आई कुड नॉट बी मोर हैप्पियर, और जो भी मैंने छोड़ा है एक्सक्लूसिवली, जो मैं टाई अप हुआ इस ब्रांड के साथ, इज़ ओनली बिकॉज आई बिलीव इन इट, और मैं इसमें एफर्ट्स डालते रहूँगा, एंड आई विल स्टे अंटिल वी क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस, और जब तक मुझे बैकिंग मिलती रहे। आपकी और पूजा की केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत बातें हो रही है, तो इस साल किस तरह की केमिस्ट्री थी, क्योंकि पहले सीजन में बहुत अच्छा बॉन्डिंग देखने मिला था, तो इस सीजन में क्या अलग होने वाला है? और ये मैंने हमेशा फिल्मों से भी, मैंने एक फिल्म की थी फाइट क्लब, जिसमें मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाए थे, सोहेल, रितेश, जायडिनो वगैरह सब लोग थे उसमें, सुनील शेट्टी, ऑल लाइक फैमिली टू मी, दे आर माय क्लोजेस्ट पीपल। तब से मैंने एक्चुअली हमेशा मेरे लिए लक ऐसे रहा है कि आई मेट द नाइसेस्ट पीपल इन प्रोजेक्ट्स, सब मेरे दोस्त बने, एंड यू नो बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि आपको गेट अलॉन्ग करना पड़ता है अपने को स्टार्स के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए। लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ है कि मैंने ज़बरदस्ती गेट अलॉन्ग करने की कोशिश की है और वो इंसान या बंदा अच्छा नहीं निकला हो। आई बीन वेरी लकी विद कोस्टार्स, एंड दैट्स वाई पूजा, इवन जिज्ञासा जो अभी हमारे साथ ये सीजन में आई है, दे आर ऑल जस्ट वंडरफुल पीपल, और हम लोग केमिस्ट्री बहुत बनाए रखते हैं, बिकॉज आई लव मेकिंग फ्रेंड्स एंड आई लव प्लेइंग प्रैंक्स, मस्ती करते हैं हम लोग सेट पर, सो वी ऑल बिकम वेरी क्लोज। एंड ऑफकोर्स पूजा इज समबडी, ये सेकेंड सीजन, और जैसे जब आप काम करते हो साथ में तो एक रिलेशनशिप सी बन जाती है, विच वी हैव वेरी वेरी नाइसली मेड विद ईच अदर, सो आई एम वेरी हैप्पी। और केमिस्ट्री इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट फैक्टर, जब मैं उसे एक रोमांस सीन में अगर छूता हूँ या वो मुझे छूती है, देर इज़ नो अनकम्फर्टेबल फीलिंग, एंड सीन्स ही ऐसे है, बट वी थैंक द राइटर्स फॉर दैट। ये बहुत ही इंटेंसली लिखी हुई लव स्टोरी है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी मैंने ना तो हिंदी या इंग्लिश शोज़ में या मूवीज़ में देखे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेंस लव स्टोरी, और इसलिए आई गेस वो रिएक्शंस मिल रहे हैं। बट ये सीज़न में देखिएगा, महक और देव में देयर इज मैडनेस, ये हीरो भी होते हुए रोता है, ही इज इन पेन, मार खाता है, इट्स नॉट नॉर्मल, बट इट इज़ लव। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, बहुत ही जल्दी शो ऑन एयर होने वाला है। सारे फैंस को बस इतना ही कहूँगा कि आई एम वेरी लकी टू हैव यू, आई एम वेरी लकी कि आपने शो को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट सीज़न जैसा नहीं है सेकंड सीज़न, क्योंकि ये डेली भी है, एक हाफ एन आवर फॉर्मेट है, लेकिन इसमें बहुत से चीज़ें ऐसे डाले गए और रिएक्शंस ऐसे हमें यूनानिमसली मिला है फ्रॉम द मेकर्स एंड रिसर्च पीपल कि ये फर्स्ट सीज़न से बेहतर है, बेटर आई मीन। आई वुड वॉन्ट कि आप लोग भी ये जज करें, लेकिन उसके लिए देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप हमारे पास थर्ड सीज़न का भी स्क्रिप्ट समवॉट धुंधला आ चुका है, बट ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे कि वो बनेगा कि नहीं। तो प्लीज़ डू वॉच मंडे टू थर्सडे 25 जून ऑनवर्ड्स ऑन कलर्स TV, देव 2। सर, लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने पहले फिल्म
कॉमेडी थी, तो एक डे पूरा अलग शो है, तो वो एक्टिंग में आपको कुछ डिफिकल्ट टास्क लगा या इजी लगा? यू नो, मैं आई थिंक स्लॉटिंग ऐसे हो जाती है जब आप काम करते हो कि लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं. मैंने फिल्मों के पहले मैं टीवी ही किया करता था. मेरी फर्स्ट पिक्चर कयामत रही थी, लेकिन उसके पहले मैंने सोनी टीवी के लिए एक हम परदेसी हो गए सीरियल किया था परिजा जोरावियन के साथ. बहुत सक्सेस हुई थी वो, तब जाकर मुझे कयामत मिला था एज माई फर्स्ट फिल्म. उसमें टेलीविजन में मैंने ग्रे कैरेक्टर प्ले किया था. इनफैक्ट अभी आई रिमेंबर जो हाउस होल्ड्स की बीवियाँ मम्मियाँ भाभियाँ उन लोग को ये कैरेक्टर पसंद नहीं था, डरते थे, लिफ्ट में बोलते थे अरे ही वॉज नेगेटिव. फिर कयामत आई, उसमें मैंने कॉमेडी प्ले किया, फिर मैं स्लॉट हो गया, लोग भूल गए मैंने वो प्ले किया था. फिर मैंने फिल्में इसलिए छोड़ी क्योंकि कॉमेडी के अलावा और कुछ मिला नहीं करता था. एंड ऑफकोर्स टेलीविजन ने मुझे वो ऑफर किया जो फिल्मों ने नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट. और अब जाकर वापस स्लॉटिंग से मैं निकल गया हूँ, विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर मी. बट आई थिंक अब इतना टाइम आई हैव स्पेंट इन दिस करियर के थैंक्स टू देव एक सर्कल सी कंप्लीट हो गई है. एंड आई थिंक पीपल हैव सीन के ये लड़का सिर्फ कॉमेडी नहीं करता है, या सिर्फ यू नो ये नहीं करता या वो नहीं करता. आई एम गेटिंग ऑप्शंस एंड थैंकफुली टू गॉड आई एम गेटिंग बेटर ऑफर्स. और एक एक्टर को यही चाहिए कि फिल्म हो या टीवी या वेब सीरीज, एक्टिंग करने का मौका चाहिए, एक अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा कैरेक्टर चाहिए. एंड आई कांट आस्क फॉर बेटर देन देव. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.